मैं एक ही शौक हर वक्त रखता हूं, हालात जैसे भी हों होठों पर हमेशा मुस्कान रखता हूं। राह में कितनी हो मुश्किलें उनका डटकर सामना भी करता हूं, क्योंकि मुसीबतों पर जीत हासिल करने और अपने साहस से नए जहां की इबारत लिखने वाले उन जाबाजों के हुनर को भी जमाना करता है दिल से सलाम। और वो शख्सियतें होती हैं बेमिसाल। नमस्कार, मैं हूं ललित प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बेमिसाल। एक आदिवासी महिला जिसने अपनी मेहनत से मिट्टी का सीना चीरकर ऐसी फसल उगाई जिससे 3500 से ज्यादा परिवारों का पेट पल रहा है, और उस महिला से मिलने के लिए देश के कृषि वैज्ञानिक भी उसके घर पहुंचते हैं। आखिर कैसे 20 साल की लगातार मेहनत ने उसे बना दिया सीड मदर, जरा आप भी देखिए। सुश्री राहीबाई सोमा पोपेरे, आपको सीड मदर के नाम से जाना जाता है। आप संकटग्रस्त किसानों के कल्याण के लिए काम करती हैं। छप्पन साल की राहीबाई सोमा पोपरे को यह सम्मान जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। अहमदनगर जिले के एक गांव में रहने वाली राहीबाई पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन खेती बाड़ी में इनके ज्ञान का सम्मान कृषि वैज्ञानिक भी करते हैं और समय समय पर राहीबाई से सलाह लेते रहते हैं। इसके लिए लोग इन्हें सीड मदर के नाम से बुलाते हैं। राहीबाई पुरानी पद्धति की तकनीकों को ध्यान में रखकर जैविक खेती को एक नया आयाम दे रही हैं। इन्होंने 50 एकड़ से भी ज्यादा भूमि को संरक्षित कर उसमें कई तरह के धान और सब्जियां उगाने का काम किया है। राहीबाई का एक सीड बैंक भी है जिसमें वो पके हुए बीजों को सुरक्षित रखती हैं। ये बीज कम सिंचाई में किसानों को अच्छी पैदावार देते हैं। इसे देखते हुए देश के राष्ट्रपति ने इन्हें नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया है। एक आदिवासी परिवार की महिला जो अपनी खेती से पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हुई और अपने बेमिसाल हौसले की बुनियाद पर अपने गांव की 3500 महिलाओं को खेती से जोड़कर उन्हें उनके पैरों पर खड़ा होने की ताकत देती हैं और अपने दुख दर्द को भूलकर जिंदगी की नई इबारत गढ़ने की योजना बनाती हैं। ऐसा नहीं है कि राहीबाई के जीवन में सितम का साया नहीं आया था, लेकिन राहीबाई ने उस राह से मुड़ने की नहीं बल्कि आगे बढ़ने की ठानी। तभी तो आज पूरा देश उनके जज्बे को सलाम कर रहा है। 12 साल की उम्र थी और आदिवासी परंपरा के मुताबिक राहीबाई की शादी कर दी गई। इसके बाद परिवार की जिम्मेदारी इन्होंने अपनी छोटी उम्र में अपने छोटे कंधों पर उठा ली। समय बीतता चला गया, लेकिन इन्होंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। इसके लिए इन्होंने गाँव की महिलाओं को साथ लिया और फिर शुरू कर दिया बीज को उगाने और उसे इकट्ठा करने का काम। सीड उगाने का जो सिलसिला आज से 20 साल पहले शुरू हुआ था वो बदस्तूर जारी है और उसने ही एक आदिवासी महिला राहीबाई को सीड मदर के नाम से मशहूर कर दिया। बेमिसाल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। उम्र भले ही 6 साल की हो, लेकिन जज्बा किसी अनुभवी कलाकार से कम नहीं। संगीत की सरगम मालूम हो या ना हो, लेकिन हौसले में कमी बिल्कुल भी नहीं। जोश और जज्बे के दम पर ही देवाग्य ने ताल के साथ ऐसा तालमेल बिठाया कि शोहरत उसके कदम चूमने लगी। आप भी मिलिए इस बेमिसाल तबले के जादूगर से। ये उंगलियों की थिरकन, ये हाथों की थपकन, ये सुर ताल में मदमस्त आंखें, ये नन्ही अदाओं से लोगों को आकर्षित करने की क्षमता, ये लोगों को अपने हुनर के भरोसे कायल बनाती तस्वीरें। जी हाँ, अपने बेपनाह हौसले और बेमिसाल कोशिश के भरोसे इस छोटी उम्र में लोगों का दिल जीतकर उस पर राज करने की नायाब पहल ने इसे बना दिया है
तबले का जादूगर। छोटी उम्र में बड़ा कारनामा करने वाला ये जादूगर रोजाना तबले पर अभ्यास करता है। ये अपनी तीक्ष्ण निगाहों और तेज दिमाग के भरोसे तबले के एक एक धुन को आत्मसात कर लेता है। इसकी चाहत है कि वो अपने हुनर के भरोसे पूरी दुनिया को अपनी ताल पर मदमस्त कर दे, जिसके लिए उसने महज 2 साल की उम्र से ही इस करतब को सीखना शुरू कर दिया। और आज के इस वक्त यानी कि 6 साल की उम्र में उसने एक दिन में 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर अपनी जीत का परचम लहरा दिया। जब मैं 2 साल का था तब से मैं ड्रम बजा रहा हूँ। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, और इसे सही मायने में साबित कर दिखाया है लखनऊ के देवाग्य ने। महज 2 साल की उम्र से तबले पर संगत करना और हाथों की उंगलियों में ड्रम स्टिक थाम कर उस पर रियाज करने का जो सिलसिला शुरू किया वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तभी तो इनकी काबिलियत का मुरीद जमाना बन चुका है। नन्हे देवाग्य ने 2 साल की उम्र में ही तबले जैसे वाद्य यंत्र पर जब थाप देना शुरू किया तो घर वालों ने इसे बचपना समझा। लेकिन 2 वर्ष बीतते बीतते आज 6 साल का ये मासूम किसी उस्ताद की तरह संगीत की महफिल में वाहवाही बटोर लेता है। खिलौने से खेलने की उम्र में तबले और ड्रम जैसे वाद्य यंत्र से खेलना रुद्रांश का शगल बन गया। इतना ही नहीं, पूरी लय और ताल के साथ तबले पर इनकी नन्ही उंगलियों की थाप किसी मंझे कलाकार के हुनर से मेल खाती सुनाई पड़ती है। बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी कुछ हरकतों से हमें चीज़ें पता लगती हैं। अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि भाई बचपन से ही क्रिकेट में अच्छे हैं, तो उनके माँ बाप के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना कि आप उनको सिखाएं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं। तो वैसे ही जब ये 1 साल 10 महीने के थे तब से इन्होंने अपना पहला रिकॉर्ड बनाया, मेमोरी रिकॉर्ड बनाया, और उसके बाद से कभी हम लोगों ने पीछे नहीं देखा। एक के बाद एक इन्होंने अब 17 नेशनल रिकॉर्ड्स बनाए हैं, और ये एक अकेले पूरे एशिया के बच्चे हैं जिन्होंने एक ही दिन में 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं, और उनमें से एक गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। और 5 साल की उम्र में इन्होंने इतना सब कुछ अचीव कर, इसे क्या कहें, इसे क्या समझें। देवाग्य के घर वालों की माने तो एक दिव्य शक्ति की ये देन है जो महज 2 साल की उम्र से ही तबले और ड्रम पर अपना थाप छोड़ने लगा। घर वाले इस नन्हे कलाकार की अदाओं पर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उसकी धुन में मदमस्त हो जाते हैं। यह नन्हा कलाकार वास्तव में अपनी कलाकारी और हुनर से सभी को अपना बना चुका है। तभी तो इसकी अदाओं और सुरीली ताल पर पूरी दुनिया फिदा है। देव को स्कूल जाना अच्छा लगता है ज्यादा कि ये ड्रम बजाना ज्यादा अच्छा लगता है? ड्रम। स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता ना? नहीं। मम्मा जबरदस्ती भेजती है? हाँ, पर स्कूल में एक चीज मुझे अच्छी लगती है, ब्रेक टाइम। ब्रेक टाइम? हाँ। जब लंच होता है? नहीं, लंच के बाद जब खेलने जाते हैं। खेलने जाते हैं तो ड्रम बजाते हैं देव। गेम्स कौन से और पसंद है? चेस, लॉन टेनिस, क्रिकेट, साइकिलिंग। क्रिकेट में कौन सबसे अच्छा लगता है? क्रिकेट में पहले खेलता था, वही मेरा फेवरेट क्रिकेटर है विराट कोहली। विराट कोहली। तो आप जब क्रिकेट खेलते हैं तो क्या करते हैं, बैटिंग करते हैं या बॉलिंग करते हैं? बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं। अपनी छोटी कदकाठी और नन्हे हाथों से तबले और ड्रम पर हाथ उकेरते छोटे देवाग्य में लय और ताल की कमी बिल्कुल भी नजर नहीं आती।
ये अपने हुनर से सभी को अपनी धुन की ओर खींच लेता है। इसे देखने के बाद यही लगता है कि भगवान ने इसके अंदर हुनर की गठरी बहुत ही संजीदगी से समाहित की है, जो अपनी धुनों से सभी सुनने वालों को अपना बना लेता है। बेमिसाल के लिए लखनऊ से मोहम्मद शबाब के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 नेटवर्क। तो उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। अपने बुलंद इरादों और बेमिसाल हौसले के दम पर कैसे एक बिटिया ने लिख दी कामयाबी की इबारत, जरा आप भी देखिए। कुमारी आरुषि शर्मा, उत्तर प्रदेश। वो महज कुछ साल की थी, उसी उम्र से इसने अपने हाथों में बैडमिंटन का रैकेट थामना शुरू कर दिया और धीरे धीरे शटल कॉक को निशाना बनाना भी। उस वक्त किसे मालूम था कि आरुषि आगे चलकर अपनी प्रतिभा से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचेगी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अपने खेल में निखार लाने के लिए अपने जुनून को अपना शौक बना लिया और लगातार मेहनत की, जिसने उसे इस मकाम तक पहुंचा दिया है। मैं बहुत खुश हूँ और मेरे भाई ने अच्छे से समझाया है और मेरे भाई ने अच्छे से समझाया कि अच्छे से खेलो और कितना दिमाग लगाया, कितने अच्छे से स्ट्रोक सिखाया और कोच ने भी, और मैं अपनी फैमिली को रोशन करना चाहती हूँ, आगे पढ़ाना चाहती हूँ। आगे आप ओलंपिक्स के लिए जाना चाहती हैं, ओलंपिक्स में जीतना चाहती हैं पदक और भारत का नाम रोशन करना चाहती हैं? हाँ जी, मैं ओलंपिक में जीतना चाहती हूँ, पूरी मेहनत करूंगी और आगे आगे पढ़ाऊंगी मैं तो। आरुषि आज विश्व चैंपियन बनकर उभरी है, जिसके पीछे उसकी अथक मेहनत है, दृढ़ संकल्प और खेल के प्रति विश्वास है जो उसे इस मुकाम तक पहुंचाया है। वो हंसती खेलती अपनी जिंदगी को गुजारना चाहती है, क्योंकि वो बोल नहीं सकती, वो सुन भी नहीं सकती, क्योंकि ऊपर वाले ने इसके साथ बेइंसाफी जो कर दी, वो खुद से खुद की लड़ाई लड़ती है क्योंकि दिव्यांगता कहीं उस पर भारी ना पड़ जाए। इसके कोच जो बेसिक कोच थे वो प्रभाष शर्मा थे, जिन्होंने इसको एक तरीके से देखा जाए शुद्ध हिंदी में बोले तो कलम पकड़नी सिखाई उन्होंने, बाकी तो आगे इसको सियादत सर वगैरह ने ट्रेन करा और ये, लेकिन पहला जो इनका कोच थे वो थे प्रभाष शर्मा, जिन्होंने इनको बैडमिंटन खेलना, पकड़ना, चलना सब उन्होंने बैडमिंटन के कोर्ट पर उन्होंने सिखाया। बचपन से ही सुन नहीं सकती, जब ये पैदा हुई तब आप लोगों को कब पता चला कि ये सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती? जब सुन नहीं सकती तो बोलने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों ने संघर्ष किया, न जाने कितने कितने अस्पतालों में आप लोग गए और आखिरकार इनका इलाज कराया। अभी भी ये पूर्ण रूप से सुन नहीं सकती हैं, लेकिन अब इतना हो गया कि कम से कम एक डिवाइस लगाई थी, इसको कॉकलियर इम्प्लांट बोलते हैं, जिसको उससे ही सुन सकती है, थोड़ा थोड़ा सुन सकती है। आरुषि ने इतनी छोटी सी उम्र में जो मुकाम हासिल किया है उसके पीछे उसका पूरा परिवार उसके साथ खड़ा है, जो हमेशा अपनी बेटी का ध्यान रखता है और बेटी पर नाज करता है, क्योंकि वो देश की सबसे छोटी बैडमिंटन चैंपियन जो बन गई है। हमारी ये शुभकामना है कि आरुषि ऐसे ही तरक्की करते रहें और ओलंपिक्स में भी भारत का तिरंगा शान से लहराएं। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18 मेरठ। आपने यात्राएं तो खूब की होंगी, कभी बस से, कभी ट्रेन से, कभी प्लेन से। क्या आपने बचपन में पढ़ाई की है एक ऐसे स्कूल में जहां की बाहरी दीवारें हूबहू मेल खाती हैं भारतीय जलपोत से? अगर नहीं तो आप भी मिलिए इस बेमिसाल एजुकेशन एक्सप्रेस से। पानी के जहाज में शिक्षा का मंदिर, शिप में स्मार्ट क्लास, एजुकेशन क्रूज में हाई फाई पढ़ाई, अलवर में एजुकेशन क्रूज। कौन कहता है कि हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर रहा? इस गांव का एक चक्कर तो लगाइए, विकास और क्रिएटिविटी की ऐसी झलक आपको देखने को मिलेगी कि आप चौंक जाएंगे। जी हां, यहां बच्चे आम से दिखने वाले क्लासरूम में नहीं बल्कि पानी के जहाज यानी क्रूज में पढ़ाई करते हैं। हमारे स्कूल में अब पानी का जहाज और अच्छी अच्छी पेंटिंग्स
वो गांधी वाटिका, कबीर वाटिका आदि सब कुछ इतने अच्छे हो गए हैं कि हमें गर्व से बोलना पड़ता है कि हमारा विद्यालय बहुत बहुत ही अच्छा हो गया है। सर ये हम पहले जहाज को बस काल्पनिकता ही रहती थी, कैसी जहाज रहता है पानी का, लेकिन अब अभी रियलिटी में हमको देखने को मिला है। और ये जो भी हमन को दार्शनिक हमारे यहाँ से पता नहीं था कितने दूर पड़ता है, मतलब पर्यटक स्थल हमको सबकी जानकारी मिलती है, ये कबीर पार्क इनसे हम के बारे में जानकारी मिलती है, और वो स्वच्छता वाहिनी बनी है उसके स्वच्छता के बारे में जानकारी मिलती है। चौकी मत, ये कोई पानी की जहाज नहीं है बल्कि हल्दीना का सरकारी स्कूल है। एजुकेशन एक्सप्रेस के बाद अलवर में एजुकेशन क्रूज है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हल्दीना में तैयार हुए इस जहाज में क्लासरूम है और इसे देखने के लिए दूर दराज से लोग आ रहे हैं। सारे संस्था प्रधानों के भी मेरे पास फोन आ रहे हैं, सर आपने स्कूल में ऐसा क्या कर दिया जो आपका पूरे उस पर इस आपका ही स्कूल चमक रहा है और इसमें ऐसा क्रूज उत्पन्न कर दिया शिक्षा के क्षेत्र में, ये हमें भी बताओ, हमें भी ऐसे रास्ता कोई इस तरह की योजना मिल जाए, सहगल फाउंडेशन से हमारी बात करवाओ और इस तरह से यदि हमारा स्कूल हो जाए हम भी आपके जैसे स्कूल की तरह चमकने लग जाए। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर इस स्कूल में और क्या क्या खूबियाँ हैं। एजुकेशन क्रूज में ग्राउंड फ्लोर पर स्मार्ट क्लासरूम है। स्मार्ट क्लासरूम में 40 बच्चों को बैठने की व्यवस्था है। स्मार्ट क्लासरूम में 55 इंच का LED लगा है। स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ाई के साथ मनोरंजन की व्यवस्था भी है। एजुकेशन क्रूज के फर्स्ट फ्लोर पर इक्विटी रूम है। इक्विटी रूम में ड्राइंग रूम समेत कई तरह की एक्टिविटी करते हैं। क्रूज के टेरिस पर खड़ा होना भी स्टूडेंट्स को काफी रोमांचित करता है। यहाँ खड़ा रहना क्रूज का एहसास कराता है। क्रूज पर लर्निंग इंडिया, ग्रोइंग इंडिया भी लिखा है, साथ ही इंडियन नेवी का लोगो भी दिखाई देता है। मैं इस विद्यालय में सबसे पहले 9th क्लास में आई थी, तब इस विद्यालय में ना पेंट थे, स्कूल जर्जर सी थी, टेबल कुर्सियां टूटी हुई थी, छत से भी पानी टपकता था, लेकिन अब हमारा विद्यालय बहुत अच्छा हो गया है, चार और तरह तरह के पेंट्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं, दो ओपन क्लासेस लग गई हैं जो जिसमें हम सर्दी में बैठकर पढ़ सकते हैं, जो अब सिर्फ पानी का जहाज बनाया गया है, पहले हम पानी के जहाज के बारे में सुनते ही सुनते थे, लेकिन आज हमारे विद्यालय में हम इस जहाज को देखकर बहुत अच्छी खुशी होती है। इस एजुकेशन क्रूज का पूरा कॉन्सेप्ट समग्र शिक्षा अभियान के JEN राजेश लवानिया का है। राजेश ने सहगल फाउंडेशन के सहयोग से नवाचार का नया रूप पाठशाला में दिया है। सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाना, ठहराव बढ़ाना और शिक्षा में रोचकता लाना, समुदाय और छात्रों को सरकारी स्कूल के प्रति आकर्षित करना मेरा उद्देश्य है। और पिछले दिनों इंद्रगढ़ में इंद्र विमान के रूप में एक स्मार्ट क्लासरूम बनाया गया, ट्रेन की थीम पर एक स्कूल विकसित किया गया, इसी क्रम में हल्दीना के सरकारी स्कूल में एजुकेशन क्रूज एक नवाचार किया गया है। ये प्रस्ताव मेरे द्वारा सहगल फाउंडेशन को दिया गया, सहगल फाउंडेशन की स्वीकृति मिली और पूरे स्कूल प्रशासन के साथ, गाँव के साथ एक नवाचार हुआ है। यहाँ ग्रामवासी भी खुश हैं, पूरा स्कूल प्रशासन और छात्र भी खुश हैं। और हमारा अभियान जारी रहेगा सहगल फाउंडेशन का, क्योंकि हम लोगों ने यह अभियान उठाया कि सरकारी स्कूलों की जो सौंदर्यकरण का कार्य है, ताकि स्कूलों की तरफ, सरकारी स्कूलों की तरफ ध्यान बढ़ सके और उनका रिजल्ट अच्छा हो सके, इसके लिए इसके किस तरह से हम सुधार कर सकें, इसके अभियान को लेते हुए हमने ये सौंदर्यकरण का कार्य स्कूलों का जारी रखा है। समग्र शिक्षा अभियान के जरिए स्कूलों को चाइल्ड फ्रेंडली बनाया जा रहा है, ताकि नए प्रयोग से सरकारी स्कूल का माहौल बने, सरकारी स्कूल के प्रति स्टूडेंट्स का रुझान बढ़े और सरकारी स्कूल में नामांकन भी बढ़े। अलवर से न्यूज 18 के लिए राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। उम्मीदों की कश्ती को डुबोया नहीं करते, मंजिल दूर हो तो थक कर रोया नहीं करते, रखते हैं जो दिल में उम्मीद कुछ पाने की, वो लोग जिंदगी में कुछ खोया नहीं करते। जी हां, आपकी मेहनत और लगन के बदौलत आपकी हर छोटी कोशिश को बुलंदी का जहां मिले और आपकी कोशिश बन जाए जमाने के लिए बेमिसाल। इसी दुआ के साथ इस खास प्रोग्राम में आज के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।